हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ अनीता। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आई होप मेरे सभी फ्रेंड्स बहुत अच्छे होंगे। आज मैं मेरे छोटे से जो मेरी बालकनी है, गैलरी है, उसका मैं मेकओवर करने वाली हूँ। कुछ चीज़ें हैं मेरी गैलरी में, छोटी मोटी चीज़ें मैंने पहले से लगा रखी है, उसे ही साफ़ सुथरा करूँगी। और जो थोड़ी बहुत चीज़ें हैं जो पुरानी हो गई हैं, उसे नया करूँगी। तो किस तरह से मैं मेरे बालकनी का मेकओवर करती हूँ, उसे मैं साफ़ सुथरा करके नया करूँगी, वही मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ देखिए, ये मेरी छोटी सी बालकनी है, आप देख रहे हैं। इसमें मैंने इस तरह से एक झूला लगा रखा है। ये झूला मेरा फेवरेट है, मेरा ये रिलैक्स करने का ये जगह है। मैं यहाँ पे आके बहुत ही आराम से बैठती हूँ और यहाँ पे बैठ के चाय वाय लेती हूँ। तो उसी को मैं, मुझे झूला मेरा बहुत ही पुराना हो गया है, बाम्बू का झूला है। तो इसे ही मैं थोड़ा इसे रिपेयर करूँगी, साफ़ करूँगी। और साथ ही इसमें जो पॉलिश लगा हुआ था, वो भी बहुत टाइम से ख़राब हो चुका है यूज़ करते करते, क्योंकि बारिश में भी, बारिश का पानी भी इस पे लगता रहता है, छींटे आते रहते हैं। लेकिन बाम्बू की जो लकड़ी होती है वो सड़ती तो नहीं है, लेकिन उसका जो पॉलिश है वो पूरा उतर चुका है। तो मैं इसे थोड़ा सा पेंट करूँगी, इसे ज़रा नया लुक रू दूँगी। तो इसके लिए यहाँ पे मैंने ये पेंट ले लिया है। लास्ट ईयर मैंने 6-7 महीने पहले मेरे मंदिर का मैंने मेकओवर किया था, मंदिर को पेंट किया था। तो वही कलर मेरा बचा हुआ था, तो उसी कलर का मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ। तो ये ऑयल पेंट है और इसमें थोड़ा सा ये गाढ़ा हो चुका है, तो इसमें ये टर्पनटाइन डाल के इसे थोड़ा पतला कर ले रही हूँ, अच्छी तरह से मिक्स कर ले रही हूँ। और यहाँ पे मैंने झूले की डस्टिंग कर दी है। कोई भी जगह पे जब हम पेंट लगाते हैं तो पहले उसकी अच्छी तरह से डस्टिंग कर लेना चाहिए, तो अच्छी तरह से वहाँ पे कलर की फिनिशिंग आती है। तो यहाँ पे देखिए, अब झूले को मैं पेंट कर लूँगी। तो इसमें झूले को पेंट करने में काफ़ी टाइम लग गया, क्योंकि झूला भी काफ़ी बड़ा है। और एक ही कोट यहाँ पे मैंने किया है, ज़्यादा 2-3 कोट नहीं किया है। कुछ ही दिनों में दिवाली भी है, तो हम अपने घर की कोने कोने की सफाई करते हैं और कोशिश करते हैं कि हर चीज़ को नया बनाए। तो यहाँ पे मैं इस तरह से मेरे झूले का लुक चेंज कर रही हूँ। और ज़रूरी नहीं है कि कोई भी त्यौहार हो या जब हमारा दिल होता है कोई चीज़ लेने का या चेंज करने का, तो उस समय हमें ज़रूरी है कि खरीदे ही, हम उसे ही थोड़ा सा मेहनत करके, टाइम और एफर्ट देके उस चीज़ को घर पे ही नया कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि बाहर से किसी पेंटर को बुला के ही झूले को पेंट कराएं। तो इस तरह से छोटी मोटी चीज़ों को कोशिश करती हूँ मैं कि खुद ही करके उसे नया बना सकूँ। तो देखिए, बहुत ही अच्छे से मेरा झूला पेंट हो चुका है, इसका पूरा ही लुक आप देख सकते हैं चेंज हो चुका है। पॉलिश निकल जाने के बाद बहुत ही गंदा सा इसका लुक आ रहा था, लेकिन आप देख सकते हैं पेंट करने के बाद बहुत ही सुंदर सा झूला मेरा तैयार हो गया है। अब इसे मैं पूरे दिन अच्छी तरह से सूखने दूंगी। अच्छी तरह से सूख जाने के बाद ही फिर इसका मैं मतलब इसे यूज़ कर पाऊंगी। तो किसी भी जगह पे जब हम पेंटिंग करते हैं तो हमें तुरंत ही वहाँ का जो पेंट गिरा रहता है उसे क्लीन कर देना चाहिए। तो यहाँ पे मैं बहुत ही इजी तरीके से इस तरह से जो टर्पेंटाइन होता है लिक्विड, उसी से ही उसे थोड़ा सा डाल के, या आप कपड़े में ले ले और अच्छी तरह से वहाँ पोछेंगे तो सूख जाता है, मतलब क्लीन हो जाता है। लेकिन यहाँ पे मेरा बहुत ही मोटा लेयर पेंट का गिर गया था, तो यहाँ पे मैं इस तरह से ब्लेड टाइप का ये पत्रा जैसा ले ली हूँ और उसी से इस तरह से खुरच के इसे साफ़ कर दे रही हूँ। बहुत ही आसानी से साफ़ हो जाता है। अगर 2-4 दिन छोड़ देंगे तो बहुत ही हार्ड हो जाता है वो पेंट और इजीली निकलता नहीं है। तो कोशिश करती हूँ कि उसी दिन उसे तुरंत ही क्लीन कर दूँ, साफ़ कर दूँ। मुझे मेरी गैलरी को क्लीन करने में और उसका मेकओवर करने में 2 दिन लग गया। तो फर्स्ट डे मैंने मेरे झूले का पेंटिंग किया और मैंने गैलरी का नीचे का फ्लोर क्लीन कर लिया। और फिर ये सेकेंड डे जो मैंने इस तरह से छोटा सा पीछे के तरफ, झूले के पीछे के तरफ दीवार है उस पे मैंने इस तरह से आर्टिफिशियल ये लीफ के ऐसे लड़ियाँ मिलती हैं, उसे मैंने लेके इस तरह से लगा रखा था। तो इसे निकाल के इसे अच्छे से क्लीन करूँगी, इसका मैं रीयूज़ करूँगी। तो इस तरह
से इसे पहले निकाल ले रही हूँ। और साथ ही यहाँ पे जो मेरे थोड़े बहुत गमले रख रखे हैं, प्लांट लगा रखा है, तो प्लांट को भी हटा के और यहाँ का जो आर्टिफिशियल ग्रास कारपेट बिछा रखा है इसे भी हटा के अच्छी तरह से साफ़ कर लूँगी। तो यहाँ पे इन दोनों को अच्छे से साफ़ करके इसे अच्छे से सुखा के और फिर यहाँ पे मैं इसे लगा दे रही हूँ। तो इस तरह से देखिए अच्छी तरह से साफ़ सुथरा हो गया है। फिर से मैं इसे यहाँ पे प्लेस कर दे रही हूँ जो आर्टिफिशियल लीफ के लड़ियाँ थी उसे, और साथ ही यहाँ कारपेट को भी ग्रिल पे बिछा दे रही हूँ। मेरी गैलरी में, मेरी बालकनी में ज़्यादा धूप नहीं आता है तो यहाँ पे मैं ज़्यादा प्लांट नहीं लगा पाती हूँ, और फ्लावर्स वाले प्लांट तो बिल्कुल ही नहीं सर्वाइव कर पाते हैं। तो इस तरह के जो मनी प्लांट या इंडोर प्लांट होते हैं उसे ही मैं लगाना प्रेफर करती हूँ। तो यहाँ पे देखिए कारपेट को बिछा देने के बाद और यहाँ पे मैं प्लांट सभी को प्लेस कर दे रही हूँ। साथ ही मैंने हैंगिंग वाले भी दो चार प्लांट यहाँ पे हैंग कर दे रही हूँ। अब यहाँ पे मैं फ्लोर पे ये आर्टिफिशियल ग्रास जो कारपेट आता है उसे बिछा रही हूँ। काफ़ी टाइम से मेरा दिल था कि इस तरह से फ्लोर पे मैं आर्टिफिशियल ग्रास कारपेट बिछाऊं, तो उसे मैं लाई थी मार्केट से। सिर्फ मैं मेरे बालकनी में यही नया चीज़ इसमें ऐड कर रही हूँ, बाकी जो भी मेरे पुराने चीज़ें थी उसे ही मैंने DIY करके नया किया है और साफ़ सुथरा करके उसे मैंने यूज़ किया है। आपके गैलरी में, बालकनी में आप भी आपके मतलब जितनी ज़रूरत हो उतने ही चीज़ों को रखें तो मतलब जगह हमारी समझ में आती है। अगर अननेसेसरी हम उस छोटे से बालकनी में चीज़ों को जमा कर देते हैं तो हमारे बालकनी में उतना लुक भी नहीं आ पाता है और फंक्शनल भी नहीं होता है। तो मैंने यहाँ पे जितनी मुझे ज़रूरत थी उतनी ही चीज़ें मैंने यहाँ पे रखी है। तो देखिए यहाँ पे मैंने ये ग्रास कारपेट बिछा दिया है और यहाँ पे फिर जो पीछे की तरफ वॉल है वहाँ पे मैंने सिर्फ यहाँ पे मैंने इस तरह से थोड़े दिन पहले ये सुरैक ऑर्डर किया था अमेज़ोन से। बहुत ही अच्छा ये सुरैक मुझे मिला था, छोटे से पैक में करके आया था। देखने पे बिल्कुल नहीं लगा कि ये इतना बड़ा, मतलब पार्सल देखने पे लगा कि ये इतना बड़ा ये सुरैक रेडी हो जाएगा। तो इस तरह के इसमें 3-5 के सेक्शन हैं और बस इसे थोड़ा असेंबल करने में समझना पड़ता है। अगर हम समझ जाते हैं तो फटाफट इसे असेंबल कर लेते हैं। तो इस तरह से ये 5 का सेक्शन है और काफ़ी सारे इसमें जूते चप्पल आ जाते हैं। तो यहाँ पे मैं वो ऐसे जूते चप्पल रखी हूँ जो कभी कभार यूज़ होते हैं, डेली में यूज़ नहीं होते हैं, तो उसे मैंने यहाँ पे प्लेस कर दिया है। और उसके ऊपर यहाँ पे मैंने ये रनर भी बना लिया था, मेरे पास कपड़ा पड़ा हुआ था तो उसी को मैंने यहाँ पे रनर बना दिया। उसे अच्छा सा लुक देने के लिए इस तरह से पॉम पॉम भी ऐड कर दिए हैं, तो देखिए कितना सुंदर लग रहा है। उसके ऊपर यहाँ पे छोटे दो इस तरह के मेरे पास प्लांटर हैं उसे मैं रख रही हूँ। साथ ही अब दिवाली का टाइम आ रहा है, 2-4 दिन में ही दिवाली आ जाएगी, तो यहाँ पे मैं ये टी लाइट कैंडल होल्डर यहाँ पे ऐड कर रही हूँ। काफ़ी सुंदर सा ये मैंने थोड़े दिन ही पहले मैंने ये ऑर्डर किया था, मंगाया था। आप लोगों के साथ मेरी शॉपिंग हॉल वीडियो मैंने शेयर की है तो उसमें मैंने आप लोगों के साथ शेयर भी किया था, तो इसे मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ। तो देखिए काफ़ी सुंदर सा ये सुरख के ऊपर का लुक आ गया है। अब यहाँ पे मैं झूला लगा दे रही हूँ जो मैंने झूले को पेंट करके रखा था, तो काफ़ी सुंदर सा मेरा झूला भी लगने लगा है, एकदम नया लुक आ रहा है। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना कि मेरा झूला कैसा दिख रहा है आप लोगों को। और उस पे इस तरह से पहले से इस पे इस तरह की गादी थी उसे रख रही हूँ, साथ ही एक कलरफुल पिलो कवर लगा के पिलो छोटा सा रख रही हूँ।
सो फ्रेंड, मेरी बालकनी रेडी हो चुकी है। तो देखिए इसका फाइनल लुक। छोटा सा ही बालकनी है और इसे मैंने बिना किसी खर्चे से अपने बालकनी का मेकओवर किया है। दिवाली के लिए, फेस्टिवल के लिए मैंने इसे रेडी किया है। तो ज़रूर बताइएगा आप लोगों को मेरा बालकनी का मेकओवर कैसा लगा। दिवाली है तो इसलिए यहाँ पे मैंने लाइट भी ऐड कर दिया है। तो रात के टाइम का मेरे बालकनी का लुक देख लीजिए और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो, आप लोगों को पसंद आई हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करना। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना और बेल का भी बटन ज़रूर प्रेस कर देना कि मेरी आने वाली न्यू वीडियो के अपडेट्स आप तक मिलते रहें। तो मिलते हैं फिर नए वीडियो में। बाय बाय।